नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। खबर है जालौन से। 219 माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मूलचंद निरंजन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर मोहल्ले और गांव में जनसंपर्क अभियान किया। मूलचंद निरंजन का जनसंपर्क अभियान शुरुआत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सरावन राजपुरा गाँव से हुआ, जहाँ हजारों की संख्या में लोगों का समर्थन उनके साथ जुड़ता चला गया। भाजपा प्रत्याशी मूलचंद निरंजन का हर घर में स्वागत किया गया और उन्हें टीका लगाकर आशीर्वाद दिया गया। सरावन राजपुरा गांव में भाजपा प्रत्याशी मूलचंद निरंजन ने लोगों से मिलते हुए बताया कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार लगातार दबे पिछड़े शोषित और वंचितों के लिए काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के तहत लोगों को घर उपलब्ध कराए हैं और इस कोरोना महामारी में हर व्यक्ति के साथ सरकार विपदा के समय खड़ी रही। कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए फ्री में राशन पात्रों को अभी तक मुफ्त दिया जा रहा है। मोदी और योगी सरकार की नीतियों से जनता को सीधे लाभ पहुंचता है। इस सरकार ने पारदर्शिता के साथ लोगों का काम किया है, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। योगी सरकार में पारदर्शिता के साथ नौकरी लगाई गई है। पूरे 5 साल में एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल के अंदर 15 से ऊपर बड़े घोटाले सामने आए थे। इसी के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग प्लांटों पर नजर गड़ाए हुए हैं और इस फिराक में है कि सरकार बनते ही प्लांटों पर कब्जा करना शुरू कर दें। जी हाँ, लेकिन योगी सरकार के कामों से जनता बेहद खुश है और योगी जी का बुलडोजर इन माफियों के लिए तैयार खड़ा है। भाजपा प्रत्याशी ने बताया, सरावन राजपुरा समेत एक दर्जन गांव में जनसंपर्क करते हुए जनता का जन सैलाब साथ में चला और हर घर में माताओं, बहनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद उन्हें मिलता चला गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।